वहीं राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सीएम साय ने जन दर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले दिन ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतें आ रही है। प्रदेश में लगातार कानून आपराधिक घटनाएं हो रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। वहीं मानसून सत्र को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं। वहीं शिक्षा का सत्र शुरू हुआ है और शिक्षा मंत्री ही नहीं है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वहीं समेत तमाम मुद्दे विपक्ष के पास है, ऐसे में मानसून सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने जनसंवाद शुरू किया और पहले दिन ही जनप्रतिनिधि अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि आज कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है। केंद्रा की घटना दिल दहला देने वाली है। एक महिला बाजार में खड़ी हुई है और एक व्यक्ति आता है, उसे चाकू से गोद देता है और उसे गिरा के फिर उसे गला रेत देता है। अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये स्थिति है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि ये सत्र छोटा है। जब भी हम लोग मानसून सत्र बुलाते थे तो ये कहते बहुत छोटा है, लेकिन अब जब उसकी सरकार आ गई तो ये लोग सब मौन धारण कर लिए हैं। और अब तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है इसे ही पता नहीं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं। शिक्षा अभी शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्री ही नहीं है। तो अभी लगातार ताला स्कूल बिल्डिंग जर्जर है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है, उसकी शिकायतें लगातार आ रही है और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई।